फिर हर आता मैनू कोई दसदा नहीं मैं लाया बड़ा दिल कितना किचन में आपका वेलकम है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह आपको हर चीज़ तंदुरुस्ती दे। तो आज मैं बना रही हूँ तुअर की दाल, जो मैंने लिया है 200 ग्राम। इसे मैंने अच्छे से वॉश करके कुकर में डाल दिया है और इसमें सीक्रेट वाली चीज़ें डालूंगी जिससे बहुत ही टेस्टी बनेगी दाल, आपको बहुत ही पसंद आने वाली है इंशाल्लाह, ये जो आप खुद अपने घर में ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ ले लिया हाफ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए नमक, और यहीं चार हरी मिर्च ले ली है जो चॉप कर लिया है। अब आती है सीक्रेट की बारी, तो यहाँ मैं ले रही हूँ इमली। जी हाँ, मैंने यहाँ पे इमली ले लिया है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इस दाल में। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, आपको भी इंशाल्लाह बहुत बहुत पसंद आने वाली है। एकदम यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ आपके लिए मैंने। तो चलिए अब यहाँ पर मैं डालती हूँ पानी, तो यहाँ जितना पानी लगेगा मैं उतना पानी ले रही हूँ। तो यहाँ देखिए 250 ml मैंने पानी ले लिया है, इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अब इसमें कवर लगा के रखते हैं गैस पर पकाने के लिए। मैंने गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है, रख दिया है कुकर गैस के ऊपर। इसे अब हम चार सीटी ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 से 4 सीटी आ गई है, मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया था। यहाँ पे भाप निकाल के देखिए दाल हमारी एकदम तैयार हो गई है। ये देखिए दाल एकदम तैयार हो गई है, तो इसे अभी हम जीरे और लहसुन का बघार दे देंगे। तो यहाँ देखिए बघारने के लिए लिया है मैंने 1 teaspoon लिया है जीरा, 1 teaspoon राई ली है, 3 से 4 करी पत्ते हैं, और 4 से 5 हमारी ये लहसुन की कलियाँ है जो मैंने कट कर ली है। लहसुन बहुत ही मुफीद है खाने के लिए, जिनका खून गाढ़ा रहता है वो लहसुन खाए तो लहसुन से उनका खून पतला रहता है और अच्छा है लहसुन खाने में। तो चलिए बघारना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने 2 serving के करीब यहाँ पे तेल ले लिया है, तेल रख दिया है गर्म करने के लिए। तो यहाँ देखिए अब हो गया तेल गर्म हमारा, यहाँ पे सारे मसाले डाल दिए हैं, और यहीं मैंने देखिए कोथमीर काट के रख ली है। कोथमीर डाल रही हूँ दाल के अंदर, इससे अच्छा फ्लेवर होएगा दाल का, बहुत अच्छा दाल में इसका अच्छा फ्लेवर आता है। तो चलिए कोथमीर भी पड़ गई है, यहाँ देखिए हमारा बघार तैयार है, यहाँ पे बघार भी डाल रही हूँ। तो चलिए दाल हमारी एकदम रेडी है, झटपट मैं चले डिश आउट कर लेती हूँ। हाँ देखिए मैं दाल को कर लिया है डिश आउट, बहुत ही टेस्टी बनी है, आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिए। चलिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। मेरी रेसिपी पसंद आती है लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। फिर मैं मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।